इंडिया बहुत डिजर्व करता था और मैं हमेशा इस बात की फेवर में था कि इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए। मुझे तकलीफ हुई लास्ट ईयर भी कि हिंदुस्तान पिछला वर्ल्ड कप भी हारा है और वो नहीं हारना चाहिए था, बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि इंडिया वेल डिजर्व। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फेंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है जिसके पास बैटिंग पूरी है, रोहित शर्मा जिसके पास हो, मैं कब से कह रहा हूँ रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन है ही कोई नहीं, और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ये तीनों बैट्समैन हैं, एक ऑलराउंडर है जिसमें जो आपको मैच निकाल के दे रहे हैं बाय ऑल मीन्स। तो बहुत खुशी हुई, बहुत ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाई। ये मुझे जरा कोई बता दे, मेरे फैंस, मेरे सब्सक्रिप्शन जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, मुझे जरा ये सवाल का जवाब दे दे। मैं आपसे जरा सवाल पूछता हूँ कि ये किस आइंस्टाइन ने कहा था इंग्लैंड को टॉस जीत के आपने माशाल्लाह दूसरी बैटिंग करनी, मतलब कोई कौन सा साइंसदान इनके पास जिन्होंने कहा यार जो तीन स्पिनर हो जिस टीम के पास, अक्षर होगा, कुलदीप जो मैच विनर है, ठीक है, फिर जडेजा होगा, फिर उसके बाद अगवा बुमराह होगा, तो किसने ये आपको मशवरा दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप टॉस जीत के आप दूसरी बैटिंग कर लें? यार अजीब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। सो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा किसीन था, और मुझे ये भी समझा दें कि क्या गोरों को पता है स्पिन खेलनी कैसी, वो इंडियन मैनेज कर सकता है स्पिन को, ठीक है रोहित शर्मा मैनेज कर सकता है, उसने आदिल को मैनेज किया, क्या मसला, वो मसला नहीं है हिंदुस्तान के लिए, वो मसला नहीं, वो खेलते रहते हैं, तो स्पिनर के लिए मसला नहीं है, इनको आती नहीं खेलना स्पिन। मतलब है ठीक है ये कोई फास्ट बॉलर पिच तो है नहीं, या अनइवन बाउंस होगा, पिच रिपोर्ट डेढ़ घंटा पहले हो रही है, और इतना ह्यूमिड है सूख जाएगा, आप कोशिश करें 150 करने की, 150 करके आप कोशिश करें फंसाने की हिंदुस्तान को 150, तो वहां मैच ऑन हो सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी हमने दूसरी बैटिंग ही करनी है, कर लो जी दूसरी बैटिंग कर लो, दूसरी बैटिंग की आपके सामने हाल है, वो मेरे ख्याल में अभी सो भी नहीं करने दिया इन्होंने। सो वेल डिजर्व, इंडिया बहुत डिजर्व करता था और मैं हमेशा इस बात की फेवर में था कि इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए। मुझे तकलीफ हुई लास्ट ईयर भी कि हिंदुस्तान पिछला वर्ल्ड कप भी हारा है और वो नहीं हारना चाहिए था, बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि इंडिया वेल डिजर्व था। दूसरा, रोहित शर्मा कैप्टनसी आपको पता ही है, उसका एक आइडिया है, उसके मशवरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ही चीज़ वो बार बार कह रहे हैं, इम्पैक्ट डालना है मैंने और मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, तो उसको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए और उसका अच्छे नोट पे एंड भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बड़ा प्लेयर है, और लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी आप कह लें उसको, वो वर्ल्ड कप उसके उसका बनता था, उसके हाथ से निकल गया, दो वर्ल्ड कप उसके हाथ में होते, बड़ा एनीवेज बहुत सेल्फलेस कप्तान है, मजेदार कप्तान है, टीम के लिए खेल रहे हैं, पूरा बैट्समैन है। काश इंडिया ऋषभ पंत को और रोहित शर्मा ओपन कर ले और कोहली वन डाउन अपने नेशनल नंबर पे आ जाए तो इंडिया के मसला ही हल हो जाएगा। कोहली की गेम है ही नहीं है, वो आता है अपना थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर उसके बाद वो लूज बॉल देखता है, मारता है, फिर उसके बाद स्ट्राइक रेट को बेहतर करता है, आके मार के निकलता है। सो आई एम नॉट श्योर कि कोहली नेचुरल ओपनर है, तो वो फंसे हुए हैं, तो उसको नेशनल नंबर में आ जाए, ऋषभ पंत आ जाए तो आपका ये भी मसला हल हो जाए। बट एनी वेज, हैविंग सेड दैट, आई थिंक इंडिया डिजर्व्स इट, और मैनी कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया, बिकॉज दिस इज द टीम दैट आई बीन सेइंग दैट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम कि इनको दो वर्ल्ड कप जीतने चाहिए थे, पिछला वाला भी वो तो अब गुजर गया, अब ये वाला वर्ल्ड कप भी इनको जीतना चाहिए, और कोई अगर नया आइंस्टाइन ना आ जाए साउथ अफ्रीका की टीम में, भाईजान टॉस जीत के इनके खिलाफ बैटिंग करें इंडिया के, तो फिर आपको थोड़ा बहुत मार्जिन है, आपको थोड़ा बहुत मार्जिन, अदरवाइज पहला फाइनल खेल रहा है साउथ अफ्रीका, बहुत मुबारक हो उनको, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद वो भी डरेंगे हिंदुस्तान से कि मुश्किल पड़ गई भाई, इन तीन स्पिनर के खिलाफ कौन रन करेगा, बट अगेन विश देम ऑल द बेस्ट।
इंडिया यू डिजर्व टू गो थ्रू द फाइनल्स एंड यू डिड दैट और आपको जीतना चाहिए वर्ल्ड कप दैट्स ऑल आई नो बिकॉज यू आर द बेस्ट टीम सो फार बिकॉज आपका बैटिंग बॉलिंग आपके पास फील्डिंग पूरी कप्तान आपका शहजादा है और सेल्फलेस आदमी है और वो वर्ल्ड कप जीतना चाहता है अब उसका यह ड्रीम कम ट्रू यार बिकॉज पिछला वर्ल्ड कप